नमस्कार डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम लौकी की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे अब खाने को कोई मना नहीं कर सकता। ये रेसिपी बिल्कुल नई है और बिल्कुल अलग है, आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन कर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाली हूँ राई, थोड़ा सा चला देंगे। मैंने ली थी 4 लहसुन की कलियां, उसको बारीक काट लिया था वो डाल रही हूँ। 1 प्याज ली थी, उसको ज्यादा पतला नहीं काटा है, उसको मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा लिया था अदरक का टुकड़ा, इसे पतला और लंबा काट लिया था वो डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को हमने भून लेना है जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, हल्का हल्का इसका कलर भी बदल जाए। ये देखिए ये सब चीजें अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है मैंने उसका यूज किया है। अच्छे से पहले तो सब चीजों को मिक्स कर दें। मैंने लिए थे 2 टमाटर, उनको छोटा छोटा काट लिया था, ये ज्यादा बड़े टमाटर नहीं थे, छोटे साइज के टमाटर थे। अच्छे से मिक्स करते हुए हमने पहले तो टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी हम गैस को बंद कर देंगे और हम बाकी की तैयारी करेंगे। मैंने लिया था 1 घिया जिसे लौकी भी कहते हैं और ये ग्राम के हिसाब से 300 ग्राम के करीब है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब पहले तो इसे हमने छील कर तैयार करना है। अब मैंने ले लिया है कद्दूकस, घिये को हमने छील लिया है। देखिए इसको हमने कद्दूकस कर लेना है लेकिन बड़े साइज से नहीं, मीडियम वाले साइज से। देखिए इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। किसी किसी लौकी में ना पानी ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसे निचोड़ लूंगी हल्के हाथों से, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। देखिए हमने सारे घी को निचोड़ लिया है, ये पानी को हमने यूज करना है, फेंकना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, घिया या तोरी बनाते समय आप उसे चख जरूर लें, कभी कभी ये कड़वे निकलते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम डाल रही हूँ मैं अजवाइन, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम डाल रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्ची, आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्ची, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिसे हम चपाती बनाते हैं, और 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, देखिए नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को हम हाथों से मिक्स करेंगे और एक डो के रूप में हमने तैयार करना है। वैसे तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी ना तो घी वाला पानी डालना है जो हमने निचोड़ के रखा है। देखिए इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि नमक डालते ही घी में पानी आ जाता है। अब हाथों को अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे, पहले तो स्मूथ कर लेंगे। इसको मैं लंबे शेप में बना रही हूँ, जैसे गट्टे बनाते हैं ना उस शेप में, देखिए इस ढंग से, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं करना है, सभी को इसी ढंग से बनाकर तैयार कर लें। इतने डो में इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने एक कढ़ाई में ना पानी उबलने रख दिया था, जब पानी में तेज उबाल आ जाएगा तब इन गट्टों को इसमें डाल देना है। देखिए जब तेज उबाल आ रहा हो ना तभी गट्टों को डालें, क्योंकि जैसे हम गट्टों को इसमें डालेंगे ना थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हमने इसे हाई मीडियम फ्लेम पर पहले तो एक उबाल आने देना है, उसके बाद 8 से 10 मिनट तक उबलने देना है, चाहे आप ढककर उबाल लें चाहे खुले में। देखिए 10 से 12 मिनट तक हमने उबाल लिया है, ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, ऊपर आ चुके हैं। इसमें जो आटा और बेसन है वो पक जाना चाहिए। गैस को बंद करके एक प्लेट में निकाल लिया है और हमने इसको ठंडा कर ना काट लिया है।
मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत अच्छे से अंदर तक पक चुके हैं। अब मसाले की गैस को हमने ऑन कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा चटपटा बना रहे हैं। मैं इसमें 4 हरी मिर्ची को बिल्कुल स्लिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट और चटपटापन आएगा। और अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। ये खट्टा दही है, अगर आप दही नहीं डालना चाहते आप नींबू का रस डाल सकते हैं, अमचूर डाल सकते हैं। अब दही को भी हमने थोड़ा सा पका लेना है। देखिए दही बहुत अच्छे से पक चुका है। मैंने एक प्याज ली थी ग्रीन वाली, उसके ग्रीन्स को डाल रही हूँ काट कर, और एक शिमला मिर्ची ली थी उसको छोटा छोटा काट लिया था वो डाल रही हूँ। और एक प्याज को ना मैंने 4 भागों में काटने के बाद ना इस ढंग से खोल लिया है अच्छे से। पहले तो मिक्स करते हुए हमने 2 मिनट तक इन सब चीजों को भुनना है, गैस को मीडियम रखना है। देखिए 2 मिनट तक इन सब चीजों को हमने भून लिया है। अब जो हमने घी का पानी निचोड़ा था ना वो डाल देना है, फेंकना नहीं है। और जिसमें हमने गट्टे उबाले हैं उस पानी में से भी मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए तेज गैस पर पहले एक उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आने के बाद इसमें हमने गट्टों को भी डाल देने हैं। पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब गैस को बंद कर देंगे और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसे लौकी के गट्टे भी कह सकते हैं, लौकी की सब्जी भी कह सकते हैं, जिसे आप चपाती, परांठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।